यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का पहला दिन हंगामे की भीड़ चढ़ गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार दोपहर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सपा बसपा और कांग्रेस ने सदन शुरू होने से पहले ही सरकार को नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी, एनपीआर और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर घेरने की रणनीति बना रखी थी। बजट सत्र से पहले दिन विधान भवन परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सदन के अंदर भी राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करते रहे, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को शुक्रवार दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानमंडल का बजट सत्र 7 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 18 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। गुरुवार को सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। अभिभाषण के दौरान ही सपा बसपा और कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र व राज्य सरकार को घेरा। इससे पहले बुधवार को बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से सदन चलने में सहयोग करने की अपील की थी, जिसका कोई असर यहां दिखा नहीं। तो हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। नरेंद्र, जिस तरीके से जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने सीएम योगी के साथ सर्वदलीय बैठक में कहा था कि वो बिल्कुल सहयोग करेंगे, अब ऐसे में जब बजट सत्र शुरू होता है तो जो विपक्ष है बिल्कुल अलग थलग दिखाई देता है, उनकी क्या रणनीति होगी? ये निश्चित तौर पे जब सत्र होता है तो उसमें प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धियां बताती है, राज्यपाल का भाषण होता है तो राज्यपाल जो प्रदेश सरकार के आंकड़े होते हैं, उपलब्धियां होती हैं, जब अभिभाषण के दौरान वो बताई जाती हैं, उसके दौरान ही सदन में विपक्षी हंगामा करते हैं, चाहे वो बेरोजगारों को नौकरी देने का मामला हो, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने की जो योजनाएं चल रही हैं उसका मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे तमाम जो प्रदर्शन हुए हैं उसमें पुलिस की कार्रवाई का मामला हो, तो तमाम चीजों को लेकर जहां सरकार कहती है कि उसने अच्छा काम किया है और इससे प्रदेश विकास की गति में आगे बढ़ा है, लेकिन वही विपक्ष इस मामले को लेकर हंगामा करते हैं। कल भी वही देखने को मिला कि जैसे भाषण शुरू हुआ उसी दौरान ही विपक्षी दलों ने, चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी और सपा ने हंगामा किया और नारेबाजी की, यानी सदन को चलने में व्यवधान उत्पन्न किया। हालांकि उसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया है। आज 11 बजे राज्यपाल के भाषण पर चर्चा की जाएगी। इसके पहले सदन जब 11 बजे शुरू होगा तो उसमें जो निधन की सूचनाएं होंगी वो पटल पे रखी जाएंगी, सभी सदस्यों को सूचित किया जाएगा, निधन की सूचनाएं होंगी, उसके बाद राज्यपाल के भाषण पर चर्चा की जाएगी। राज्यपाल के भाषण में जो मुख्य बिंदु थे, जिसको प्रदेश सरकार ने विकास के लिए जरूरी बताया है और अपनी उपलब्धि गिनाया है, उस पर आज हंगामा होने के आसार हैं। कल कचहरी में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें अधिवक्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी और घायल होने की बात सामने आई है। इसको कानून व्यवस्था को लेकर के आज एक बार फिर हंगामा करेंगे, क्योंकि अजय लल्लू जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कल ही ऐलान किया है कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा जाएगा और ये मामला वो सदन में जरूर उठाएंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था के मामले में सरकार फेल है और तमाम मुद्दे हैं, जैसे किसानों का भी मुद्दा है। नरेंद्र, वही जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रही, तो ऐसे में सरकार की रणनीति क्या होगी? सरकार ने अपनी कमर किस तरीके से कसी है विपक्ष निपटने के लिए? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान यही कहा था कि हमारे मंत्री जो हैं पूरी तैयारी के साथ आए, लंबा चौड़ा भाषण देने की बजाय जो माननीय विधायक अपने सवाल पूछे, सरकार से सवाल पूछे या संबंधित मंत्री से सवाल पूछे, तो उनका ठोस और सटीक जानकारी दें, ज्यादा उस पर भाषणबाजी ना करें। इसको लेकर प्रदेश के तमाम मंत्री लगातार तैयारी कर रहे हैं, विभागों के साथ कल शाम तक बैठकों का दौर जारी था, कई बड़े मंत्री बैठक किए हैं अपने अधिकारियों के साथ और तमाम उन रिकॉर्डों को अपने साथ लेके सदन में मौजूद होंगे, जिससे विपक्ष के प्रहार का जवाब दिया जा सके। इस तरीके से जहां सरकार के मंत्री अपनी तैयारियां कर रही हैं, वहीं विपक्ष भी तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर हो रहा है और लगातार तमाम मुद्दे विपक्षियों के पास हैं भी, जिसको लेकर आज सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं। जी नरेंद्र भाई, सदन है, बजट जब पेश होगा तो इस बजट में आम जनता के लिए कौन सी सौगातें होंगी, बड़ी बातें कौन सी रहेंगी? देखिए, बजट 18 तारीख को पेश किया जाएगा, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं।
सरकार की जो बड़ी परियोजनाएं थी, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, गंगा एक्सप्रेस वे हो और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, इस पर एक बड़े बजट की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार एक बड़ा बजट इनके लिए जारी करेगी। वहीं सबसे बड़ी परियोजनाएं दूसरी हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई दर्जनों मेडिकल कॉलेजों का निर्माण चल रहा है, उस पर भी बड़े बजट की जरूरत होगी, तो उसका भी प्रावधान इसमें किया जाएगा। तमाम परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं क्योंकि प्रदेश सरकार ने ही इसका शिलान्यास किया था, शुरुआत की थी। अब करीब 3 साल पूरे होने हैं सरकार को और अपनी उपलब्धि गिनाना है, तो उस पर भी प्रदेश सरकार का फोकस रहेगा। वहीं किसानों की आय दोगुनी करने के मामले को लेकर विपक्षी घेरते रहे हैं, तो हो सकता है किसानों को भी कोई राहत दी जाए, कोई पैकेज दिया जाए, क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की तरफ से जो शुरू तो की गई हैं, लेकिन किसानों को उसका ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है, इसके पीछे बजट है। तो उम्मीद की जा रही है किसानों के बजट में भी उनको मशीनरी के लिए और खाद बीज पानी के लिए इसका बजट बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा की बात है, शिक्षा के मामले में भी चाहे MDM हो, तमाम ऐसी सूचनाएं आई हैं जिसको लेकर काफी हंगामे हुए हैं। बच्चों के स्वेटर वितरण का मामला हो, चाहे उनके उनके खाद्यान्न का मामला हो, तो इस पे भी सरकार की नजर रहेगी निश्चित तौर पे। शिक्षा विभाग को भी इसमें एक बड़ा बजट मिल सकता है या पहले से बढ़ सकता है, तो तमाम जी नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।